गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां बेअदबियां दा चलिया दौर भावें अजे भी रुक नहीं रहा, पर बेअदबियां दा संताप भोगदे सिखां नूं कोई इंसाफ दी किरण दिखाई नहीं दे रही। अजिहे विच पिंड कवद्दी विच 2015 विच इक औरत ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की सी। उस औरत दा बाद दे विच कुछ सिख नौजवानों ने सौदा ला दिता सी। इन्हां सिंघां विचों 2 सिख नौजवानों नूं हुण अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां बेअदबियां दा इंसाफ करन तों भज्जियां अदालतां। सिख गुरु साहिबान दे दसे राह अनुसार बेअदबी दा बदला लैण वालियां नूं सजावां दे रहीआं। इस बारे जानकारी दे रहे ने सिख चिंतक सरबजीत सिंह कुमार। लुधियाणे दी इक अदालत ने इक केस दा फैसला सुनाया। बराड़ा साहिब दे कोल इक पिंड आ कवद्दी, इत्थे इक औरत ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बड़ी घोर बेअदबी की सी। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने तो बाद उन्हें टैलीविजन चैनलों के उत्ते आके बड़े धड़ल्ले नाल यह गल मनी कि मैं ये काम किया। आपके उस घनौने कारे नूं उन्हें जायज भी ठहराया। थोड़े टाइम बाद उसकी जमानत हो गई क्योंकि पंजाब पुलिस नूं दिल्ली दरबार तो हदायत ने गिया कि जो भी कोई गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करे वो उत्ते इहो जिहा धारा लाउणियां ने जो छेती देने जमानत हो जाए। तो उसकी जमानत नूं देख के फिर बाकियां नूं होरां नूं कहा जाता भी देखो उसनूं भी जमानत मिली गई, तुसीं वाली परवाह ना करो, फट्टे चक्की चलो। तो इस तरीके नाल जी बेअदबियां करन कराउण दा प्रोजैक्ट सीगा उहदे विच कवद्दी वाली जनानी जिहड़ी सी उह बड़ी लोकां नूं बहुत ज़्यादा चुभदा सी क्योंकि यह काम बड़ा औखा होया। तो एक तो बेअदबी की, दूजा उन्हें वंगार के ललकार के यह गल कही कि मैं की। खैर सिंघां दे मन विच इस गल का बड़ा ख्याल सी कि इहदा सौदा लाउणा है। एक दिन फिर यह खबर आई कि आलमगीर गुरद्वारा साहब के सामने उन्होंने जनानी नूं फोन करके किसी ने सद्या ते वह आपके मुंडे नाल आटो च भूंड जा जिहड़ा हुंदा उहदे विच शिमलापुरी तो आलमगीर गुरद्वारा साहब के सामने चली गई। तो उत्थे वह दो नौजवानों ने उहदे नाल कहिंदे बह के पहला गलबात की, पूरी तसल्ली की। उन्होंने इउं लगन लाता कि यह तो कोई तेरी मदद कर आए ने, तेनू पैसे धेले न रजा देंगे, तू बड़ा वधिया काम किया। तो उन्हें पूरा फिर गिण मित के सारा कुछ दसिया कि मैं किमें किमें ये काम किया। जो पूरी तसली कर ली, आपका मन की पूरी तसली करन तो बाद सिंघां ने सौदा ला दिता, मुंडा वह मौके पर बच गया। तो अंत उहदी दी गवाही ते होर गवाहियां दे करके अज अदालत ने फैसला सुनाया, जिहदे च जिहड़े बाकी सिंघ सी उह तां सारे कहिंदे आ बरी करते। बाकी डिटेल तां हजे आउंदे आउंदे आऊगी, पर इस वेले तिकर खबर इह आ कि जिहड़ा भाई गुरप्रीत सिंघ जागोवाल ते भाई जसप्रीत सिंघ जिहनूं भाई निहाल सिंघ भी कहिंदे आ, इहनां दोनां सिंघां नूं उम्र कैद जिहड़ी आ उह हो गई है।